परम शांति बाबूजी। बाबूजी हमें आप ये बताइए कि आत्मज्ञान और सिद्धि के बीच में डिफरेंस क्या है? देखो, जो रिद्धि और सिद्धि जो बोलते हैं ना, सिद्धि स्वरूप, जब कोई योगी या साधु संत जो सिद्धि स्वरूप बन जाता है तो उसके अंदर सिद्धि आ जाती है। जो सोचता है वो बन जाता है, बोलता है वो जाता है। तो वो सिद्धि आने से वो आत्मा धीरे धीरे डाउनफॉल हो जाती है। और सिद्धि पाने के लिए कई हजारों साल तपस्या तो करते हैं। मगर जब आत्मज्ञानी होता है, आत्मज्ञान जो इसी को होता है, आत्मज्ञान का एहसास करता है, जो आत्मस्वरूप की जो अनुभूति करता है, वो सिद्धि में नहीं पड़ता, सिद्धि स्वरूप में नहीं पड़ता। क्योंकि आत्मज्ञानी को आत्मज्ञान का पता है कि अगर मैं सिद्धि में फंसूंगा तो एक दिन मेरी आत्मा की एनर्जी खेल खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं साधारण मनुष्य बन जाऊंगा। और फिर जो मैंने सिद्धि का दुरुपयोग किया है, अगर सिद्धि पर अगर इंसान दुरुपयोग करते हैं ना, सिद्धि का दुरुपयोग करते हैं, तो सिद्धि का दुरुपयोग विकर्म बनता है। इसलिए जो आत्मज्ञानी है वो कभी भी सिद्धि के चक्कर में नहीं पड़ता, और आत्मज्ञानी हमेशा आत्मस्वरूप की अनुभूति में पड़ते हैं और परमात्मा स्वरूप की अनुभूति में पड़ते हैं, परमात्मा प्राप्ति की अनुभूति पड़ते हैं, वही आत्मज्ञानी है। और जो सिद्धि में फंस जाते हैं वो आत्मा की कैटेगरी में नहीं रहते, वो प्राणी बन जाते हैं, क्योंकि सिद्धि खत्म कर देती है, उसकी एनर्जी खत्म कर देती है, आत्मा की एनर्जी खत्म हो जाती तो है। बाबूजी, आत्मज्ञानी को सिद्धि मिलती है या नहीं मिलती? देखो, सिद्धि के किसको मिलते हैं, जैसे कई लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं तो उसको वरदान के रूप में सिद्धि मिल जाता है। ठीक है। जैसे भस्मासुर को सिद्धि मिली ना, वरदान के रूप में सिद्धि मिली ना, हाँ, हर एक तो राक्षस सिद्धि मांगता था पहले। हर कोई सिद्धि जो मांगता है तो वरदान माना सिद्धि। तो वरदान का दुरुपयोग किया ना, तो हम उसका अंत क्या हुआ, भस्मासुर का अंत कैसे हुआ, हर कोई असुर का अंत कैसे हुआ। रावण के पास भी सिद्धि थी, वो त्रिलोकीनाथ था, रावण को वरदान मिले थे, महादेव ने वरदान दिया था, तो मेरा सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा भक्त रावण था शिव का, तो उसको सिद्धि मिली। सिद्धि माना पावर, पावर माना ताकत, ताकत का दुरुपयोग किया उसने, पावर पावर का ताकत किया, नहीं तो रावण तीनों लोक का, भूलोक बभूलोक स्वलोक, तीनों लोक पे उसका राज्य था, उसने देवता लोक पर भी कंट्रोल किया था, देवताओं को उसने नवग्रह को अपनी खींटी पर बांधा था। पता है आपको, देवताओं को नवग्रह को अपने जो अपना बेड़ था ना, बेड़ के बांधा था, और रोज देवताओं को पीटता, नौ ग्रहों को रोज पीटता था रावण, रोज मारता था, पिटवाता था, खुद नहीं पीटता था, पिटवाता था, नौ ग्रहों को पिटवाता था। उसको छूटने के लिए इंद्र भी भाग गया था, तीनों लोक में राज था उसने। मगर जब उसने शिव ने उसने जो सिद्धि दी, और वो सिद्धि के कारण उसने जो अपनी एनर्जी का तीनों लोक में दुरुपयोग किया, तो अंत में उसके क्या हुआ, उसका विनाश हुआ ना, आपके तो सामने ही ये हुआ। आत्मज्ञान से क्या फायदा होता है, सिद्धि का मतलब आत्मज्ञानी ये उसको ये हुआ। कहेंगे, देखो रावण आत्मज्ञानी तो, रावण के पास ज्ञान था, मगर मैं कहूंगा उसको आत्मज्ञान नहीं था, ऑब्वियसली नहीं था। वो तो एक सिद्धि के लिए तरसता था ना, कि मेरे पास ये सिद्धि है तो मैं उसको ये इस वरदान लेकर मैं अमर बन जाऊं, और अमर बनकर मैं अत्याचार करूं, तीनों लोक में राज करूं, बड़ा राजा बनूं, बड़ी रानियां रखूं, ये करूं ये करूं ये करूं। मगर जो आत्मज्ञानी होता है वो ऐसी सिद्धियां कभी की भगवान से नहीं मांगता। आत्मज्ञानी मतलब क्या मांगता है, आत्मज्ञानी क्या मांगेगा, आत्मज्ञानी तो ये मांगेगा कि मुझे परमात्मा से ये मांगेगा, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए या ब्रह्म की परमात्मा। प्राप्ति हो, परमात्मा की प्राप्ति हो, परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति हो, और वो परम पद पाए, परम धाम जाए, और वो परम धाम की प्राप्ति मांगता है। आत्मज्ञानी कभी ये रिद्धि सिद्धि के चक्कर में नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मज्ञान ही इसको कहेंगे, आत्मज्ञान ही इसको कहेंगे कि रिद्धि सिद्धि के चक्कर में मैं फिर, मेरा मौत है, इससे बाहर निकल आए। अकल्याण है, रिद्धि सिद्धि से अकल्याण है। इसलिए आत्मज्ञानी कभी भी रिद्धि सिद्धि मांगता नहीं। रिद्धि सिद्धि साधे ये जो मांगने वाले हैं वो तमोप्रधान आत्माएं जो साधना करती हैं, साधना करते करते जो सिद्धि प्राप्त होती है, किसी भी देवी देवताओं की भी उपासना करते हैं फिर सिद्धि मिल जाती है। आजकल छोटे छोटी सिद्धियां तो बहुत है, कोई देवी सिद्ध हो जाती है, कोई भी देवी देवता की उपासना करते कुछ सिद्धि मिल जाती है, कोई प्राप्ति हो जाती है, तो उसको सिद्धि कहते हैं। आत्मज्ञान है जो वो ही इंसान का लक्ष्य होना चाहिए, सिद्धियां नहीं। आत्मज्ञान और सिद्धि अलग है। आत्मज्ञानी कभी भी सिद्धि स्वरूप नहीं बनेगा। सिद्धि कौन मांगेगा, जो साधारण भूत प्रेतों की उपासना करके भूत प्रेतों से प्राप्ति करते हैं, साधारण देवी देवताओं की उपासना करके करते हैं,
पर जो परमात्मा का ज्ञान होता है वो डायरेक्ट परमात्मा को जानता है, ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानता है। सिद्धि वाले तो जैसे किसी के मन की बातें जान लेना, वो तो भूत या प्रेत की किसी के सिद्धि जेब करो में तो कर कितने लेंगे, पैसे पड़े हैं वो जान लेना, ये सब चीजें सिद्धि में आता है। वो तो दो चार भूत पाल लो तो वो भी तुम्हारे सिद्धि स्वरूप बना लेंगे, वो तुम सामने वाला क्या सोचता है वो तुम्हें बता देंगे तुम्हारे कान में आके। दो चार भूत पाल लो ना तो वो भी तुम्हें सिद्धि स्वरूप बना, तुम जो बोलोगे वो दो चार भूत वो करके दिखाएंगे, भूत चमत्कार भी करके दिखाएंगे। आजकल जो चमत्कार करा है वो साधारण मनुष्य नहीं कर सकता, उसके साथ सूक्ष्म मतलब भूत प्रेत तो होते ही नहीं, आत्माएं होती है उसके साथ, आत्माएं। भूत प्रेत को आत्माएं नहीं कहेंगे, भूत प्रेत को आत्मा नहीं कहेंगे, क्योंकि आत्मा कभी भूत प्रेत बनती नहीं, आत्मा कभी भूत प्रेत बनती नहीं, आत्मा उसी को कहेंगे जिनको परमात्मा का ज्ञान है, और परमात्मा को जो प्राप्त करने के लिए जो आत्मा निकलती है वो कभी भूत प्रेत नहीं बनती, वो ऊपर जाके सूक्ष्म जगत के जाके कारण जगत में चली जाती है और अंत में परंधाम में चली जाती है। इसलिए जो आत्मज्ञान है, आत्मज्ञानी है, आत्मस्वरूप की अनुभूति करती है परमात्मा से, हमेशा मुक्ति मांगती है या मोक्ष मांगती है या परंधाम में जाने की अनुभूति मांगती है।